हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज जो है मौसम काफ़ी खुल चुका है 2-3 दिन की बारिश के बाद। और दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, वो आपको वीडियो में जो है आगे आगे दिखाएंगे। तो अभी हम जो है फ़िलहाल घर से ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं, तो अभी मैं आधे रास्ते में हूँ। और यह है सामने थथोड़ मार्केट आगे की साइड, और इधर पीछे की साइड ये ढाणा है। अभी दोस्तों फ़िलहाल हम अपने ऑफिस की तरफ चलते हैं, बाकी आपको आगे आगे वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि आज जो है वीडियो किस तरह खास होने वाला है। और हम आपको मिलते हैं सीधे अपने ऑफिस में अलमस बैंड पे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस में, और अभी यहाँ पर काम चल रहा है PUC का। और आज जो है हमारे प्रदूषण जाँच केंद्र का जो है उद्घाटन है, तो हमारे क्षेत्र के विधायक कृष्ण कुमार जी आ रहे हैं। और अभी हमने इस गाड़ी का पॉल्यूशन भी कर दिया है। और यह है हमारे राज जी, फेडरेशन मैनेजर। और यहाँ पर जो है मस्त डेकोरेशन कर रखी इन लोगों ने मेरे आने से पहले ही। मैं हमेशा लेट आता हूँ, 11 बजे से पहले मैं पहुँचता नहीं हूँ। बाकी हमारा सारे स्टाफ पहुँच रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने जो है यह मशीन लगभग जो है 3 से 4 महीने पहले ले आई थी, तो उसके बाद से जो है अभी तक इसका जैसे लाइसेंस वगैरह लेना था, तो इसको जो है अभी सारा सेटअप करने में जो है 3-4 महीने लग गया था। तो अभी हमने जो है बाहर पे ये जार भी बनवाया, ताकि जो है गाड़ी अंदर तक आ जाए और हमें जो है प्रदूषण जांच करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी ये फ़िलहाल हम पूरा जो है सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पर जो है, अगर आप लोग कोई मेरी वीडियो देख रहे हो हमारे क्षेत्र से, तो आप लोग यहाँ पर पॉल्यूशन चेक करवा सकते हैं अपनी गाड़ियों का। तो आज इसका उद्घाटन होना है, तो हमारे क्षेत्र के विधायक श्री प्रीतम कुमार जी आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। वही है, वही इसके ऊपर देख। आप सभी माननीय विधायक जी और अन्य महोदयों मुख्य अतिथियों का भी तिलक का विशेष किया जा रहा है। साथ ही इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगी, हम चाहते हैं आपको आप जनोटी की सहन है। परम सम्मानित जनोटी के लोकप्रिय विधायक आज श्रीमान पीतम सिंह पवार जी और उनके साथ आए हुए सभी समाज सेवी एवं हिमोत्थान सोसाइटी के सारे कर्मचारीगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं और बहनें, हिमोत्थान सोसाइटी सर रतन टाटा के सौजन्य से हिमालयी अंचलों में कई वर्षों से महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए कई वर्षों से टीवी गढ़वाल हमारे माननीय परम सम्मानित विधानसभा दमोटी से श्री प्रीतम सिंह पवार जी आपका हार्दिक स्वागत का धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आप हमारे बीच में दूसरी बार आए हैं। एक बार हमारे एजेंडे में आज हटगा आए थे, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने फिर
हमारे लिए निकाला है और अन्य परम सम्मानित मंच अन्य आए हुए अतिथि गण आप सभी का भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही जौनपुर मंडल के मंडल मेरे चाचा सिंह रावत जी आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही विजयलाल सत्याल जी प्रकाश नौटियाल जी हरिभजन जी सबका नाम लेना मुश्किल है क्योंकि विधायक आपको जो है समय नहीं है, उन्होंने कहीं और भी जाना है। मैं हिमोत्थान सोसाइटी के माध्यम से भगवान क्लस्टर में अभी तक क्या क्या कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा अवगत करा दूँ। अभी तक पूर्व वक्ताओं ने जो बताया है कि जो जानकारी फायर सहकारिता है उसमें जो भी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है पूरा जो महिलाओं का एक संगठन है वही लोग कर रहे हैं और हिंदुस्तान सोसाइटी के माध्यम से जो बैकअप सपोर्ट मिलता है जैसे अभी जिस व्यवसाय की हम बात करें जो प्रदूषण जांच केंद्र है उसका जो बैकअप सपोर्ट है जैसे जो मशीन है उसका सपोर्ट डॉन ट्रस्ट ने किया है और पूरा हैंडओवर कर दिया जो महिलाएं यहाँ पे जो हमारा फेडरेशन है उसके बाद संचालित करने की जिम्मेवारी इनकी है। उसी प्रकार जब अभी जैसे इन्होंने बताया कि हमारी जो कैटल फीड यूनिट है दुग्ध डेयरी है नर्सरी की हम लोग बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग जो किसी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं उसमें क्या क्या इक्विपमेंट रखते हैं उस इक्विपमेंट का बैकअप सपोर्ट हिमोत्थान सोसाइटी डॉन ट्रस्ट के द्वारा भी किया जाता है और यहाँ पे आप लोग देखें जो इतनी संख्या में जो महिलाएं आई है इन्हीं के द्वारा जो इसको संचालित किया जा रहा है। अभी तक जो अकाउंट का होता है उसके लिए बैकअप सपोर्ट के लिए हम लोग जो सहयोग करते हैं बाकी इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है वो जो साल में एक बार जो वार्षिक आम सभा होती है उसी में जो है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। धन्यवाद। इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा रमोला जी आपका हमारी भाभी जी सतम कुमार जी का आप लोगों ने फोन करके कहा कि आपको आना ही आना है क्योंकि मैं तो आपके कार्यक्रम में एक बार पहली बार पहले भी आया था लेकिन आप लोगों ने कहा कि आना पड़ेगा खासकर भाभी जी की तो बहुत जिद थी आना था तो मैंने कहा चलो आपने बुलाया भी याद भी किया और एक अच्छा कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ पर जो समिति के द्वारा हमारी जो जामती स्वायत्त सहकारिता समिति है आप यूँ तो मैं जब आपके पहले कार्यक्रम में आया था वो बहुत बृहद कार्यक्रम था और बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने उस दिन जो आपका उद्घाटन हुआ था मैं समझता हूँ कि वो आज भी सफल है वो कार्यक्रम जिस तरह से आप चला रहे हैं पूरे क्षेत्र में और जिस उद्देश्य से देखिए बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन रतन टाटा जी के बारे में क्योंकि उनका ही जो ये टाटा ट्रस्ट है उसी के माध्यम से ये सब चीज़ें संचालित हो रही हैं और बिजनेसमैन बहुत हुए हैं लेकिन आज जिनको लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कई बिजनेसमैनों को उनसे भी बड़े बड़े दृष्टि से उनका लोग बहुत आदर करते हैं हर वर्ग के लोग उनका आदर करते हैं वो बहुत ईमानदारी से उन्होंने देश के लिए उनका बहुत बड़ा समर्पण है। यही नहीं कि वो अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रहे हैं बल्कि देश में जब जब कुछ चीज़ें अगर माना कोई दुर्घटनाएं होती हैं कोई देश पर संकट आता है तो रतन टाटा जी हमेशा आगे खड़े होते हैं और जितना सहयोग होता है वो पूरे देश को देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो इसके लिए उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम से कम है कम ही कम है। और यहाँ पर जिस तरह से वो योजनाएं आप सब मेहनती लोगों के प्रयास से हिमोत्थान के प्रयास से इस क्षेत्र के लिए संचालित हो रही है निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में रोजगार जो हमारे स्वरोजगार हमारी बहनों को मिल रहा है आपके मार्गदर्शन में हिमोत्थान के मार्गदर्शन में और यहाँ पर तमाम जो गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं निश्चित तौर पर सरकार का भी यही प्रयास रहता है कि हम लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर लोगों को स्वावलंबी बनाएं आत्मनिर्भर बनाएं और किस तरह से जो हमारे स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको हम बढ़ावा दें लोगों को उससे जोड़ें और ये अच्छी बात है कि आप लोग भी जो है यहाँ पर लोगों को उन्नत किस्म के बीज पौधशाला आपकी है उससे आप पौध उपलब्ध कराते हो क्योंकि हमारा ये क्षेत्र कृषि बहुल्य क्षेत्र है कृषि पर आधारित है उद्यानिक क्षेत्र है इस कार्यक्रम से मिल रहा है ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर मृदा परीक्षण का भी आपने एक मशीन लाई है और उसके माध्यम से आप यहाँ पर जो किसानों के खेतों में जो मिट्टी का परीक्षण करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को पता चल सकेगा कि किस तरह का क्या कमी हमारे खेतों में है और कैसे क्या क्या करना है और किस तरह से हमारी उपज और बेहतर हो सकती है और खासकर प्रदूषण जांच केंद्र निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी और आपने
यहाँ पर लोगों को उससे बहुत सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर हमारे जितने चाहे वो टैक्सी वाले हों, प्राइवेट गाड़ी वाले हों, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि दूर नहीं जाना पड़ेगा और यही उनका प्रदूषण जांच जो सर्टिफिकेट बनता है वो बनेगा और यहाँ हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में अगर जो हमारी स्वायत्त सहकारिता समिति है आपके माध्यम से, क्योंकि ये क्षेत्र कृषि बागवानी के लिए भी जाना जाता है, तो निश्चित तौर पर पर्यटन की भी अपार संभावना इस क्षेत्र में है। और आजकल सरकार की बहुत बड़ी योजना भी है, सरकार का बहुत बड़ा जोर भी है, उत्तराखंड सरकार का, हमारी जो धामी जी हैं बहुत फोकस है कि हम होम स्टे के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी दें और यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा दें। और ये क्षेत्र तो हमारा जो हॉर्टी टूरिज्म से भी रिलेटेड हो सकता है, तमाम हमारी नैसर्गिक चटाएँ हैं जो क्षेत्र है, तो हम अगर इस तरह से अपनी महिलाओं को जो हमारे ग्रुप हैं यहाँ पर जो समिति है, समिति से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, उनको अगर हम जो होम स्टे की योजना है उससे भी अगर जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उनको प्रशिक्षण देने का काम करेगी। उनको जितना आपको ऋण है, आपको अनुदान है, या तमाम जो और सरकार की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं देने का काम भी हम लोग करेंगे। इसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप हमें बताइए क्या क्या कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र को थोड़ा हमको पर्यटन की दृष्टि से भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये आप सब कर सकते हैं। जब आप इतना कुछ संभाल रही हैं, वृहत क्षेत्र संभाल रही हैं, तो ये भी एक क्षेत्र है, तो उसमें भी अगर आप करें तो बहुत अच्छा है। और समस्या आ गई, अगर वो समस्या आप दूर करा लेंगे तो आगे मेरे लिए जो बोलेंगे, हम अपनी बहनों के जो हमारे इसमें काम कर रही हैं उनके लिए जो आप बोलेंगे, जैसे हमारे यहाँ देखिए इनका कहीं एक बड़ा सेंटर बन जाए, कहीं कुछ बन जाए, जो बोलेंगे, लेकिन वो दिक्कतें पहले वाली दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो जो बोलेंगे मैं हमेशा तैयार रहूंगा, मेरे को आप बता देना। तो पुनः मेरी लाइफ जो भी सेवा होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इसी तरह करते रहे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रारंभ हुआ है और आज से नवरात्रि भी है और इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और जामती स्वायत्त सहकारिता समिति के प्रदूषण जांच केंद्र के उद्घाटन अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री पवार जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष श्री पृथ्वी सिंह रावत मात्र शक्ति, और जामती स्वायत्त सहकारिता के जो भी यहाँ पर सभी लोग उपस्थित है, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं जामटी स्वायत्त सहकारिता समिति के संदर्भ में ये बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप की जो पहल है वो स्वरोजगार के लिए एक नई मिसाल है इस क्षेत्र के लिए। आप दूध के क्षेत्र में आप आटा चक्की हो, जो अपने अन्य जो हैचरी आपने बताया, अरे वही भी चाय पी है दोस्तों। अभी जो है कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, तो अभी सब लोग जो है जा चुके हैं, विधायक जी यहाँ पर से जो है जा चुके हैं। यहाँ पर अभी हमारे सारे स्टाफ बच्चे हैं और जो यहाँ की जो महिलाएं हैं हमारे साथ, लोग रवाना हो चुके हैं और इन लोगों की भी जो है तैयारी चल रही है। काफ़ी भीड़ लग गई थी आज, जहाँ पर पत्रकार लोग भी आ रखे थे और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता गण थे, अभी तो फिलहाल सभी लोग चले गए हैं। तो दोस्तों अभी जो है सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका है और टाइम हो चुका है अभी 4:45। तो अभी मैं प्रीतम पवार जी का भाषण सुन रहा था, क्या क्या बोला उन्होंने जो आपको जो आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अभी फिलहाल 5 बजने वाले हैं, तो हम भी फिलहाल घर को चलते हैं क्योंकि ड्यूटी का टाइम ऑफ हो चुका है। बाकी आप लोग जो है यहाँ पर प्रदूषण जांच कराने के लिए आ सकते हैं, अगर किसी का पॉल्यूशन नहीं हो रखा है तो आप लोग यहाँ पर आके पॉल्यूशन करवा सकते हैं। ये एड्रेस है हमारा अलमस बैंड पे, उत्तरकाचारी रोड पे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जो है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।